वेदिका, आप दोनों जाके डॉक्टर से मिलाइए और मिलने के बाद मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं आप दोनों को पिकअप करने आ जाऊंगा। ध्रुव, थैंक्स। वेदिका, ध्रुव मान के जैसे दिल से एक बोझ उतर गया हो। काजल भाभी, ध्रुव के लिए सबसे बढ़कर घर की खुशियां हैं। चलो वेदिका। ध्रुव, तुम गए नहीं? नहीं, मैं भी आपके साथ डॉक्टर से मिलने जाऊं। चलो। वेदिका, आपकी कल की अपॉइंटमेंट थी ना, आप आई क्यों नहीं? आई एम सॉरी डॉक्टर, वो मैं घर में बिजी हो गई थी। मेरी प्रेगनेंसी की फाइल आप ही के पास है ना? हाँ थी, लेकिन वो तो मैंने घर पे भिजवा दी ना आपकी। डॉक्टर, आपने मेरी फाइल घर भिजवा दी? हाँ, क्योंकि कल आप आई नहीं ना। ओह माय गॉड। काजल भाभी, ध्रुव, अगर ये फाइल किसी के हाथ लग गई या अलीशा के हाथ लगी तो हम क्या करेंगे? तुमसे कुछ पूछना है, यहाँ आओ। हाँ? बैठो यहाँ। क्या हुआ बुआ? तुझे कुछ खबर है ये वेदिका कहाँ है? आप प्लीज जासूसी करना छोड़ दीजिए बुआ। लली, अरे तू समझती काहे नहीं है? वेदिका का ऑपरेशन हुआ है तो उसे घर पे आराम करना चाहिए ना। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला? यही कि मैं आपकी बनारस जाने की टिकट अब मंगवा रही हूँ। अरे भेज दो हमको बनारस। भेजो 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 हमें बनारस भेजो। आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। देखिए, मैं आपको कहीं नहीं भेज रही, आप यही रहेंगे। लेकिन आप यहाँ चुपचाप शांति से क्यों नहीं रह सकते? और आप प्लीज वेदिका की जासूसी करना बंद कर दीजिए। आ रहे हैं भाई। जी कहिए। ये वेदिका मैडम का फाइल है, हॉस्पिटल से डॉक्टर ने भेजा है, उन्हें दे दीजिएगा। हाँ दे देंगे भैया। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने ऐसा कौन खुफिया फाइल भेज दिया भाई? सब तरफ से बंद। लली, यहाँ ये दे। अरे कोई देकर गया, कह रहा था अस्पताल से डॉक्टर ने भेजे। कहाँ है? खोल के देखना कहाँ है इसमें।